साथियों, ग्राम हथनारा जिला रतलाम में हम यहाँ पे खेत पे उपस्थित हैं और किसान का खेत है यहाँ पे जो लगी हुई वैरायटी एनआरसी 142 और हम मिलाना चाहेंगे इसको लगाने वाले किसान श्री रमेश जी। रमेश जी, आपका पूरा नाम बताइए। रमेश चंद पाटीदार, रतनारा से। ये कौन सी वैरायटी आपको लगाई और ये बीज कहाँ से मिला? एनआरसी 142 जी, और ये कृषि अनुसंधान से मिला। कृषि अनुसंधान इंदौर का? जय इंदौर। लेकिन मिला है आपको कृषि विभाग जिला इंदौर के माध्यम से? आत्मा विभाग के माध्यम से मिला है। आत्मा विभाग के माध्यम से मिला है और आईसीआर इंदौर के जो हमारे दुर्गा रोड में वहाँ से उनके को आया है और डेमो के लिए आया था कि ये वेरायटी आपके एरिया में सुटेबल है, इस कारण से आया था। तो हमने अलग अलग किसानों ने लगाई है, 2-4-5 किसानों ने अलग अलग खेत में और अलग अलग क्षेत्र में लगाई, जैसे कि एक दिशा में नहीं लगाई, तो करीबन हमको सब एक जगह इसका एक समान मिला है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान और कृषि विभाग मिलकर एक संयुक्त प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी किस्में जो कि हमारी जो मध्य प्रदेश की फसल प्रणाली है जहाँ पे दो फसलें लगाई जाती है, चाहे वो सोयाबीन के बाद में सीधा गेहूं चना लगाते हैं, दूसरा कुछ ऐसे ग्रुप है कि जो कि सोयाबीन के बाद में आलू लहसुन अदरक वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद में गेहूं चना लगाते हैं। तो ऐसे दोनों अलग अलग फसल प्रणालियों के लिए कौन सी वेरायटी उपयुक्त है, तो इसको देखते हुए हमने जैसे कि तीन फसलें लेने वाले, उसके लिए हमने एनआरसी 130 जो कि कम समय में पकती हुई वो वहाँ पे लगाई, और जो ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ पे सीधी सोयाबीन के बाद में दूसरी फसल लगाते हैं, तो वहाँ पे लिए मध्यम समय में पकने वाली ये वैरायटी एनआरसी 142 दी जो कि 96 दिन में पकती है। आपने इसका पौधा अपने पास में रखा है, तो आप अपना अनुभव बताइए कि ये वैरायटी आपको कैसे लग रही है? वैरायटी अच्छी है। अच्छा, दाने भर गए इसमें? दाने भी भर गए थोड़े, मतलब 5-4 दिन में और अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, इसको आप देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि जैसे कटाई के लिए हमारे जो भाई साहब है उन्होंने बताया कि हार्वेस्टिंग के लिए ये अच्छा, और एक आपने बताया कुछ और बताया इसने सफेद मच्छर शायद वो जो सफेद मच्छर आते हैं ना रस चूसक वो अटैक नहीं करेंगे। इसमें क्या है ये इन फलियों में क्या है बाल रोएदार होने के कारण इसमें वो सफेद मच्छर का अटैक नहीं हो सकता, वो वहाँ फली तक नहीं जा सकते, क्या उसके रोए में उलझ जाते हैं। अच्छा रमेश जी, आप बताइए कि इस खेत में आप सोयाबीन लगाते हैं, पिछले साल भी लगाई होंगी, उत्पादन आपको कितना मिलता है उस समय, मतलब आमतौर पर कितना उत्पादन मिलता है कि एक बीघा के हिसाब से? अगर बात बीघा में हिसाब से 250-300 क्विंटल ही निकलते हैं। 250 यहाँ का बीघा मैडम वही है 5 का, 5 बीघा तो पर हेक्टर कितना हो गया? 12 पर हेक्टर उत्पादन हो गया। और यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं इसका क्या मिलने की संभावना है, उतना ही मिलेगा कि कुछ ज्यादा कम? वो तो थोड़ा मतलब इस दूसरी वेरायटी से अच्छा ज्यादा लग रहा है थोड़ा, अब सूखने के बाद और अच्छा पता चल जाएगा। 1.5 क्विंटल का कम से कम आपको डिफरेंस लगेगा ज्यादा का, हालांकि अभी जो है कि दाने भरना अभी और बाकी अभी थोड़ा, और 1-2 बारिश अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी है, नहीं तो अभी आप क्या सोच रहे की अगर दाना भरना रह जाए? अगर पानी आ जाए तो ठीक, नहीं तो पानी पिला देंगे। अच्छा, पानी पिला देंगे, उसकी व्यवस्था। एक हमारा गांव में जैसे कि सभी तरह की वेरायटी लगी, इसमें एक अनुभव हमको देखने का ये मिला है कि अभी तमाम वेरायटियां है, चाहे पहले कम अवधि वाले 95-60 थी वो भी आड़ी गिर गई, लेकिन ये थोड़ी आड़ी गिरी नहीं, सबसे खासियत तो ये बड़ी होने के बाद भी आड़ी नहीं गिरी, बाकी नहीं तो 95-60 की हाइट छोटी रहती तो भी वो आड़ी गिर गई। अंतिम में हमारी जो उप संचालक कृषि मैडम चौहान है, मैडम आप अपनी राय बताइए कि आपके माध्यम से ये जो प्रदर्शन प्लांट का क्रियान्वित किया गया है, किसानों की प्रतिक्रिया आपको किस प्रकार से मिल रही है? पहली प्रतिक्रिया ये है कि किसान बड़े खुश हुए कि कोई नई वैरायटी हमारे जिले में आई है और ट्रायल डल रहा है। जैसा बताया इन्होंने कि लंबी होने के बाद भी, हाइट ज्यादा होने के बाद भी जो सोयाबीन है वो आड़ी नहीं गिरी, एक फायदा है इनको, इनसे ये मिला है। दूसरा है जो रस चूसक जो है वो अटैक नहीं करते फलियों पे, तो ये क्योंकि सोयाबीन में काफी रोग बीमारियां लगती हैं, कीट लगते हैं, तो कम से कम इसमें कीट कम लगा है। हार्वेस्टिंग के लिए भी, हार्वेस्टिंग के लिए उपयुक्त है क्योंकि लंबी है, हाइट ज्यादा है, तो हार्वेस्टर से आराम से कटाई हो सकती है। आप लोग फिर इसको इस वैरायटी को लगाएंगे? इसको लगाएंगे और हमारे जो भी है
आसपास गांव वाले वो भी बोल रहे थे कि यार नहीं यार ये वेरायटी आड़ी नहीं गिरी है तो इस बार हमको भी बीज देना है ऐसा बताया उन्होंने। पहले खेत पे आके देखो तो उन्होंने जरूर आके देखा भी सही। तो चलिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और कृषि विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी मेहनत करके लगातार आपके संपर्क में रह के जानकारी देने की कोशिश की, बीज आपको लाके दे दिया और समय समय पे जानकारी दी। तो कृषि विभाग की ओर से और भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान की ओर से मैं सभी को बधाई देते हैं। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान से आपको और हमारे डीडी मैडम को जो कि कृषि विभाग के हमारे अधिकारी है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया कि भाई ये वैरायटी अच्छी है, इनके सतत प्रयास से ही ये हमको वैरायटी मिली है, इसलिए हम उनका बहुत बहुत हम किसान परिवार से बहुत बहुत इनका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार।